Hello friends, welcome to Think Like a Coder. In case you don't know me, you are new to this channel, let me introduce myself. I am Amrita Anjali and I am a software engineer and for this video, I am your educator. So, आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अच्छा लैंग्वेज के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि है जावास्क्रिप्ट। इनफैक्ट अगर आप मेरे से पूछोगे कि मुझे एक ऐसा लैंग्वेज बताओ जिसे मैं मतलब तहे दिल से बहुत ही ज्यादा मुझे वो लैंग्वेज अच्छा लगता है, तो मैं बोलूंगी वो है जावास्क्रिप्ट। तो मैं ये लैंग्वेज क्यों बताने वाली हूँ, इसका एक रीजन ये है, मैं लास्ट टाइम लिंक्डइन पे एक पोल डाली थी, उस पोल में सबसे ज्यादा वोट आया था जावास्क्रिप्ट पे। तो मैं ये इस वीडियो में आज जावास्क्रिप्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। एंड इसमें पाइथन पे भी अच्छा खासा वोट आया था, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिसमें कि मैं पाइथन इन वन वीडियो मैं बता चुकी हूँ। मतलब एक वीडियो में मैं जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन का, वो सब कुछ मैं अराउंड 15 मिनट के अंदर में कवर कर चुकी हूँ। तो आप मेरे चैनल पर क्लिक करके जाकर के वो वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो में भी मैं क्या करने वाली हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट 2 पार्ट में बताऊंगी। मतलब पार्ट 1 वीडियो में कुछ बताऊंगी एंड पार्ट 2 वीडियो में बताऊंगी। मैं इसे बहुत ही लंबा सीरीज इसलिए नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बताना चाहती हूँ बना रही हूँ जिन्हें बहुत ही कम टाइम में जावास्क्रिप्ट का बस सिंटेक्स सीखना है एंड थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सीखना है। आने वाले टाइम में मैं एक पूरा सीरीज बनाऊंगी जिसमें कि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो आप वो सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन कई बार स्टूडेंट को क्या होता है, उन्हें बहुत ही शॉर्ट टाइम में किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज का बस सिंटेक्स एंड बस ओवरव्यू लेना होता है। इसके लिए मैं 2 वीडियो बनाने जा रही हूँ अभी। तो अभी के वीडियो में आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि कोई भी कॉन्सेप्ट को मैं बहुत ही फुल डिटेल में बताऊंगी, मैं एक शॉर्ट एंड कॉन्साइज मैनर में बताऊंगी। लेकिन हाँ, एक बात का आपको मैं गारंटी देती हूँ, सारा मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर कर लूंगी इस वीडियो में। सो आज का वीडियो आप लास्ट तक तो जरूर देखना। तो चलो मैं क्या करती हूँ, मैं फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखती हूँ, किसमें, जावास्क्रिप्ट में। ये हो गई हमारी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। जैसे कि सी में लिखते थे हम लोग प्रिंट एफ, सी प्लस प्लस में लिखते थे सी आउट, पाइथन में लिखते थे प्रिंट, यहाँ पे क्या लिखना होता है, कंसोल डॉट लॉग। एंड जैसे सी प्लस प्लस एंड अदर लैंग्वेज में हमें कभी स्ट्रिंग लिखना होता था तो उसको क्या करते थे, सो कोट्स के अंदर में डालते थे, डबल कोट्स के अंदर में, वैसे यहाँ पे भी हमें डालना पड़ रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताती हूँ, सी प्लस प्लस में अगर आप सिंगल कोट्स में डालते हो कोई भी स्ट्रिंग को तो वर्क नहीं करता था, लेकिन यहाँ पे वर्क करेगा वो। तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम तो कवर हो गया। तो आपको ये पता चल गया किसी भी चीज को आपको प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करोगे, सिंपली अगर आपको ये प्रिंट करना है प्लस प्लस कुछ करके प्रिंट करना है 1। अब देखना यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ होगा। यहाँ पे देखो ये 1 को ना कंकेटिनेट कर दिया हेलो वर्ल्ड के साथ, जैसे कि अब यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 प्रिंट करूंगी तो क्या होगा, 1 प्लस 1 2 दे रहा है। मतलब यहाँ पे 1 प्लस 1 जो मैं int 1 int 1 ली, ये 2 दे रहा है। लेकिन इससे पहले जब मैं हेलो वर्ल्ड में 1 ऐड करी थी तो उसको 1 को एज ए स्ट्रिंग मान करके कंकेटिनेट करके ये दे दिया था हमें। तो ये सब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, जावास्क्रिप्ट रियली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। सो आपको बहुत कुछ मैजिक टाइप का यहाँ पर दिखेगा, सो बस वो मैजिक को मैजिक की तरह समझ लेना। उसे कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगी एंड जब मैं डिटेल में वीडियो बताऊंगी तब मैं ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊंगी। सो इस वीडियो में मैं आपको बस एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ। तो चलो यहाँ पे अब मैं एक बात और करके दिखाती हूँ, अगर मैं ऐसा लिखती हूँ तब क्या होगा। देखो यहाँ पे 11 आ गया, 1 प्लस 1 11 हो जाता है। लेकिन यही पे मैं 1 प्लस 1 कर रही थी तो क्या दे रहा था, 2 दे रहा था। तो ये सब बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटी है जावास्क्रिप्ट का, अच्छी और इंटरेस्टिंग कह सकते हो मैजिकल क्वालिटी है जावास्क्रिप्ट का। तो चलो मैं आपको बताती हूँ डाटा टाइप। तो जैसे कि पाइथन में डाटा टाइप डिफाइन नहीं करना होता था, वैसे यहाँ पे भी डाटा टाइप डिफाइन नहीं करना होता। जैसे कि हम लोग सी प्लस प्लस में क्या करते थे, इंट ए इक्वल टू 1 लिखते थे एंड देन आफ्टर इंट पे कुछ करते थे, इंट कैर फ्लोट टाइप का डाटा टाइप होता था ना। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता है ऐसे, डाटा टाइप कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करने के लिए 3 कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हो कॉन्स्ट, वेर एंड लेट। जैसे सी प्लस प्लस में कमेंट करते थे वैसे कमेंट यहाँ भी करते हैं, पाइथन में कमेंट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, हैश यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सी प्लस प्लस की तरह ही कमेंट यूज करना है। ये हो गया। उसके बाद अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। अब मैं यहाँ पे कॉन्स्ट
इक्वल टू वन लिखी एंड ये वेरिएबल डिफाइन हो गया हमारा, और ए में मैं वैल्यू डाल रही हूँ 5, 4, चलो 4 डाल रही हूँ। अब बताओ ये क्या देगा, एरर देगा या नहीं देगा एरर? देखो एरर दिया आप, एरर क्या है ये, 1 मिनट, एरर ये है कि आप किसी भी चीज को कॉन्स्ट डिफाइन करते हो, कॉन्स्ट डिफाइन करते हो तो उसको दोबारा आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते। कॉन्स्ट नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसको दोबारा इनिशियलाइज नहीं करते, ये है। लेकिन इसी को अगर मैं भैर बना देती हूँ तो आप इसको दोबारा इनिशियलाइज कर पाओगे। देखो एरर चला गया ना बाहर, इसी तरह से लेट में भी आप दोबारा इनिशियलाइज कर पाओगे। चलो मैं प्रिंट करके भी दिखाती हूँ। प्रिंट हो गया 4 यहाँ पे, मतलब बाद में इनिशियलाइज हो गया था। सिमिलरली भैर में भी आपका प्रिंट हो जाएगा। देखो 4 प्रिंट हो गया। अब मैं आपको एक बात और बताने जा रही हूँ, अगर हम लोग कॉन्स्ट ऐसे लिखते हैं, कॉन्स्ट लिखते हैं ए इक्वल टू 1 एंड देन आफ्टर अगर आप ए को डाल दो 5, तो ये तो अलाउड नहीं है। लेकिन अगर मैं सिंपली लिखती हूँ कॉन्स्ट ए इक्वल टू 3, तो क्या होगा ऐसा? देखो क्या होता है ऐसा, ये एरर देगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं भैर लूंगी तो क्या होगा, देखना। एरर चला गया ना, तो ये काम आप कर सकते हो। रीइनिशियलाइजेशन आप भैर के केस में कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्ट एंड लेट के केस में नहीं कर सकते हो। देखना अभी क्या होगा, ए का वैल्यू 3 दे रहा है, ये रीइनिशियलाइजेशन। जैसे कि आप भैर जब भी हम लोग सी प्लस में से कोई कोड लिखते थे, इंट ए इक्वल टू 2 लिख देते थे, फिर से इंट ए इक्वल टू 2 दे देते थे, तो एरर देता था ना कि रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते हम लोग। आप फिर से, लेकिन यहाँ पे आप भैर के केस में कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्ट एंड लेट के केस में नहीं कर सकते हो। लेट के केस में चेक कर लेते हैं, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। देखो लेट के केस में भी एरर दे रहा है, मतलब ओनली हम लोग भैर के केस में रीइनिशियलाइज कर सकते हैं, लेट के केस में, कॉन्स्ट के केस में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये तो आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे आज, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो अब मैं ना इफ एल्स बताती हूँ। इफ आप बताओ ये यस प्रिंट करेगा या नहीं करेगा? यस प्रिंट करा, इक्वल है। लेकिन अब इस केस में बताओ कि ये यस प्रिंट करेगा या नहीं करेगा? यस प्रिंट किया, लेकिन अगर ये कर देती हूं तो करेगा या नहीं करेगा, सो बताओ। नहीं प्रिंट किया, तो इसीलिए जावा स्क्रिप्ट में हमेशा याद रखना, टू बी इन सेफ साइड, हमें जब भी कोई भी चीज का इक्वलिटी चेक करना होता है तो वहां पर ट्रिपल इक्वल टू डालना है, डबल इक्वल टू नहीं डालना। इसका मेन रीजन ये होता है कि जब आप ट्रिपल इक्वल टू डालते हो तो वो वैल्यू प्लस डाटा टाइप दोनों को चेक करता है। तो आप यहाँ पे देखो, ये भैर तो ये करेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे तो ये 1 क्या है, इंट है, तो ऑफकोर्स ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन जब मैं सिंगल इक्वल टू डाल रही थी तो इसको ये इक्वल टू कर रहा था, मतलब ओनली वैल्यू चेक कर रहा था, इसका डाटा टाइप चेक नहीं कर रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट को आप याद रखना। तो आज के वीडियो में मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं लूपिंग, फंक्शन, ये सब मैं बताऊंगी। सो होपफुली आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे आप सीख लोगे तो आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे जावास्क्रिप्ट नहीं यूज किया जाता हो, मतलब ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री में जावास्क्रिप्ट यूज किया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है ये। तो
तो ये वीडियो एंड करने से पहले ना मैं एक न्यूट्रल स्कूल प्रोग्राम के बारे में बताने जा रही हूँ। सो न्यूट्रल स्कूल का फुल स्टैक डेवलपर कोर्स स्टार्ट होने जा रही है एंड इसका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का 20 दिसंबर। सो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो। काफी अच्छी कोर्स है एंड बेस्ट पार्ट इस कोर्स का ये है कि आपको फी तभी देनी पड़ेगी जब आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी। मतलब प्लेसमेंट से पहले जीरो फी टिल प्लेसमेंट, प्लेसमेंट से पहले आपको कोई भी फी नहीं देनी होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।